रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ मरातिब अली। आज मैं हाज़िर हूं एक नई रेसिपी के साथ और आज हम बनाएंगे लाहौरी चरगा। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो इसमें एक हम पूरा चिकन लेंगे और इसके साथ हमारे लीमू जाएंगे, इसके साथ नमक इस्तेमाल होगा, इसके साथ हमारा इमली जो है ये भिगो के रखी हुई थी मैंने काफ़ी देर से, और उसका जो है ना वो पानी है, जूस है उसका, इसमें सिरका इस्तेमाल होगा। उसके अलावा इसमें क्रश चिली जाएगी, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, ज़ीरा पाउडर जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा, लाल मिर्च पाउडर जाएगा। इसके अलावा इसमें गरम मसाला जाएगा। इसके साथ हमारा पास ये अदरक पाउडर है, ये गार्लिक पाउडर है, लहसुन पाउडर, ये सफ़ेद मिर्च है और ये काली मिर्च है पिसी हुई, और ये हमारे पास चाट मसाला है। इन मसालों से इंशाल्लाह हम लाहौरी चरगा बनाएंगे, ये बड़ा ही चटखारेदार बनने वाला है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम चिकन को जो ना कट लगाएंगे मैरिनेट करने के लिए। छोटे छोटे कट लगाने, इसके जोड़ हैं। कट ज़्यादा गहरे भी ना हो, अच्छे तरीके से कट लगाएं आप इसको, दो से तीन नींबू जो है। इसके अलावा दो से तीन टेबलस्पून जो है ना सिरका डालेंगे। क्रश चिली जो है वो शामिल करेंगे। ज़ीरा पाउडर जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा, लाल मिर्च पिसी हुई जाएगी, गरम मसाला जाएगा इसमें, में हमारे पास जो चाट मसाला है तकरीबन ये आधा यूज़ करेंगे, आधा बाद में यानी कि गार्निश के जब हमारा चरगा तैयार होगा उसके ऊपर लगाएंगे। थोड़ा सा ब्लैक पेपर जो है वो डालेंगे, इसके साथ वाइट पेपर है वो डाल देंगे, ये गार्लिक पाउडर है, जिंजर पाउडर, अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। ये जो हमने मसाला बनाया है इसमें नमक भी तेज़ होना चाहिए, मिर्चें भी तेज़ होनी चाहिए। ये हमारे पास जो चिकन है पूरी वो इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मसाला जो है ना लगाएंगे इसको। ऐसे ही मसाला लगा के हम तकरीबन इसको दो से तीन घंटे जो है ना हम छोड़ देंगे। और अभी हमारा माशाल्लाह चिकन जो है ना मैरिनेट करके हमें रखा हुआ था तीन से चार घंटे पड़ा रहा है ये, और इसको भी हम जो है ना स्टीम करेंगे। स्टीम कैसे करना है वो प्रोसीजर जो मैं आपको दिखाता हूँ, चले आएँ। आप कोई भी बर्तन ले लें, देसी ले लें, कोई कढ़ाई ले लें बड़ी सारी, उसमें आपने पानी डालना है और ऊपर जो आपने स्टीम के लिए जाली रखनी है वो तकरीबन पानी से तकरीबन 1.5 से 2 इंच ऊपर होनी चाहिए। जाली जो है पानी से 1.5 से 2 इंच ऊपर होनी चाहिए, फिर आपने जो है ना उसको रखना है। फिर जैसे ही पानी उबल रहा है हम इसको डाल देंगे। अभी तकरीबन हमने चिकन को 15 मिनट बॉईल किया ऐसे स्टीम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन हमारा बिल्कुल स्टीम हो चुका है, अभी इसको हम फ्राई करेंगे। को जो हम चार पीस बनाएंगे इसके, क्योंकि जो पूरा चिकन है एकदम तो नहीं हम इसको फ्राई कर सकते, चार पीस बनाएंगे।
इसकी जो ना निकालते हुए लेग तो वैसे ही अलग हो गई थी, लेकिन फिर भी हम सेंटर में इसको अब सीधर से अच्छी तरह इसको चार पीस में कन्वर्ट कर दें। चार पीस हमारे हो गए, अब इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। अभी फ्राई हमने ऐसे करना है इसको कि सिर्फ इसको कलर देना है, बाकी ये बिल्कुल गोश्त जो है ना हमारा टेंडर है, गला हुआ गोश्त है। आपने पीस को पहले हल्का सा जो है ना पकड़ के ऑयल में रखना है और ऑयल की कंडीशन देखनी कैसी है, फिर आपने उसको आराम से डिप कर देना है। इसको हमने हल्का सा कलर देना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा कलर देना है हमने। और नीचे से जो फ्लेम होगा बिल्कुल दरमियाना होगा, ना ज़्यादा तेज़ होगा ना बिल्कुल ही कम स्लो होगा। ये देखें हल्का सा लाइट ब्राउन हमने करना है इसको। अभी हम दूसरा पीस इसमें डालेंगे, वो फ्राई करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फ्राई हो रहा है, जैसे ये देखिए बिल्कुल हल्का सा कलर आया, हम इसको उतार लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। आखिर पे जो मेन है इसकी जो टिप है वो यही है कि आप इसको दरमियानी आँच पे इसको फ्राई करें, सिर्फ हम कलर देने के लिए इसको फ्राई करना है, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे। ये तो जो चिकन है हमने अंदर से जो ना फिर हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा ये। ये देखें माशाल्लाह हमारा लाहौरी चरगा तैयार है। और दूसरे पीस भी हम इसी तरह हम करेंगे, लाइट ब्राउन इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई हमने नहीं करना है। और दूसरे पीस भी कर लेते हैं, माशाल्लाह अंदर से बिल्कुल ऐसे ही जूसी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल अंदर से ऐसे ही जूसी है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह निगेबान।